ओम शांति। आज का प्रश्न है आपका कि आत्मा ने एक शरीर के बाद दूसरा ले लेना है, फिर उसे स्वर्गीय क्यों कहते हैं जब उसने एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर ले लेना है, फिर स्वर्गीय क्यों कहते हैं? एक्चुअल में हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि आत्मा एक बार परम धाम से आ जाती है, आत्मा एक बार परम धाम से आ जाती है, वापस नहीं जा सकती। जब तक परम पिता परम आत्मा ना आए हम सबको वापस ले जाने के लिए, चाहे वो आत्मा आदि सब अलग अलग हैं, चाहे वो आत्मा सतयुग के आदि में आए, मध्य में आए, चाहे सतयुग के अंत में आए, चाहे त्रेता में आए, चाहे त्रेता के अंत में आए, चाहे द्वापुर में आए, चाहे द्वापुर के मध्य में आए, चाहे द्वापुर के अंत में आए, चाहे कलयुग में आए, चाहे यहाँ आए। एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी है, जो आत्मा एक बार परम धाम से इस धरती पर आ गई, बीच में वापस अपने घर तो जा नहीं सकती। सारी आत्माएं एक साथ जब परम धाम से आ जाती हैं, तब सारी आत्माएं एक साथ परम धाम जाती हैं। जब ये सुई 12 पर आ जाती है, जब ये सुई यहां बिल्कुल पहुंचने वाली है, जैसे ही 12 पर पहुंचेगी और सारी आत्माएं परम पिता परमात्मा के साथ घर जाएंगी। अब घर जाना माना मुक्ति धाम में जाना, अर्थात आत्मा को मुक्ति मिलना। ये सारे संसार की आत्माओं को एक ही बार मिलती है, एक साथ मिलती है, कोई पहले जाए कोई पीछे जाए ऐसा नहीं होता है। सारे संसार की आत्माएं एक साथ जाती हैं, परंतु अब स्वर्ग में जाना, स्वर्ग किसको कहा जाता है? जब इस धरती पर सतयुग और त्रेता होता है तो स्वर्ग होता है, जब इस धरती पर द्वापर और कलयुग होता है तो नर्क होता है। आत्मा यदि वो सतयुग में है या त्रेता में है, शरीर छोड़ेगी तो वहीं जन्म लेगी। द्वापर या कलयुग में है तो जहां शरीर छोड़ेगी वहीं अपने कर्म अनुसार अपना जन्म लेगी। परंतु आम दुनिया ये समझती है कि कहीं स्वर्ग ऊपर है और उसने शरीर छोड़ा है और अब वो स्वर्ग में गई है। वास्तव में कोई भी आत्मा जिस समय जहां है, यदि वो स्वर्ग में है शरीर छोड़कर स्वर्ग में जन्म लेगी, नरक में है तो शरीर छोड़कर नरक में ही जन्म लेगी। अज्ञानतावश हर आत्मा को, शरीर छोड़ने वाली आत्मा को कह देते हैं स्वर्ग पधारा। आप उनसे पूछ सकते हैं, अच्छा अब वो स्वर्ग में गया है तो तुम कहाँ हो? वो अब स्वर्ग में गया है तो पहले वो कहाँ था? उनके पास कोई जवाब नहीं। यदि हम उन्हें कहें कि आप नरक में हो तो उसे स्वीकार करने को भी तैयार नहीं। जानते हैं कि उस आत्मा ने कर्म गंदे किए हुए हैं, सारे जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, परंतु एक प्रचलन है कि कहना है कि वो स्वर्ग में गया। तो अज्ञानतावश कोई कुछ भी बोल सकता है, परंतु सच्चाई हमें अपरम्पिता परमात्मा आकर समझाते हैं, सभी आत्माएं अपने समय अनुसार
अपने कर्म अनुसार अगला जीवन लेते हैं। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो इसी वीडियो के साथ इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग 2000 वीडियोस जो आप सभी भाई बहनों के द्वारा प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं उन सब का संकलन किया गया है, वो सब आपके पास भेजे जा रहे हैं, आप उनको देखकर अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर वहां अवेलेबल ना हो तो 9213106986 पर भेजकर सेवा में सहयोगी बने ताकि अन्य आत्माओं को भी उनके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सके। ओम शांति।